नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम लोग मजदूर 26 मजदूर आए हैं सर, नेपाल काम करने के लिए। टावर लाइन का काम हो रहा है सर, हम लोग 26 मजदूर आए हैं काम करने के लिए। इसमें हम लोग 2-2.5 महीना पहले आए हैं सर, यहाँ लॉकडाउन लग गया। इस बीच में हम लोग पता नहीं चला सर लॉकडाउन का, कब लॉकडाउन, गाड़ी सब बंद हो गया सर। आप हम लोग सारा बीमार हो गया सर, यहाँ काम भी हो रहा है, काम कतर बीमार में काम करो जब नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, ताकत नहीं मिल रहा है, सब कब सारे बीमार हो गए हैं। सब का सेलन चढ़ रखा है, 2-3 आदमी का, सब दवाई खा रहे हैं। तो हम लोग को ये निवेदन है आपसे, झारखंड सरकार से, हम लोग को कृपया करके इंडिया किसी तरह से गाड़ी का पास बनवा दीजिए सर। हम लोग गाड़ी का पास बनवा दीजिए, किराया हम दे देंगे सर, खाली गाड़ी का पास बनवा दीजिए सर, हम लोग इंडिया पहुंचाइए सर किसी तरह से। बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है सर, सब टूर हो जाएगा, मर जाएंगे सर, सारा 2600 आदमी हम लोग मर जाएंगे इंडिया का सर। यहाँ पूरी तरह से सब सब बीमार है सर। देखिए सर, सब अब सलाइन चल रहा है, किसी का अभी अभी सलाइन खोला है, किसी का उधर पड़ा हुआ है सलाइन सर। सब देखिए सर क्या स्थिति है। हम लोग यहाँ से 12वीं से एक पड़ता है स्वास्थ्य चौकी, वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है सर। तो इसी से किसी तरह की मंगवाए थे गांव वाले से सलाइन वगैरह, तो चलवा रहे हैं सर। और सबका बुरी तरह हालत बीमार है, कोई देखने वाला तक नहीं है सर। और ठेकेदार आके दबाव देता है कि काम करो काम करो, तो काम हम लोग से हो नहीं पा रहा है सर। पूरा सब हम लोग इतना डेमरलाइज हो गए, इतना कमज़ोर हो गया सर कि चल नहीं पा रहे हैं, वो खाना तक नहीं खा पा रहे हैं सर। तो किसी तरह आप लोग से यही गुजारिश है सर, एक बार बहुत एकदम हेल्प करके सर हम लोग को से 1-2 दिन के अंदर निकालिए सर। नहीं निकालने के बाद सब हम लोग मर जाएंगे सर, कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से हम लोग। और क्या बोलेंगे सर, इसके लिए हम लोग आपका सदा के लिए आभारी रहेंगे। आप जैसे भी होगा सर, 1-2 दिन के अंदर निकालिए सर। आप सिर्फ वहाँ से नहीं, दूतावास वाला से बात कीजिए, किराया हम लोग जो होगा सर किराया देंगे, झारखंड तक का किराया देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप गाड़ी का पास कृपया करके हम लोग को उपलब्ध कराएं सर।